फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। कई कमेंट्स मेरे पास आते हैं, क्या फोनिक साउंड बच्चों को सिर्फ नर्सरी और केजी में ही पढ़ाई जाती है, उसके बाद फोनिक का कोई यूज़ नहीं है। देखो, ये चीज़ मुझे भी कई बार फील होती है, क्योंकि मैं अपने बेटे को फोनिक्स पढ़ा चुकी हूँ और बच्चों को फोनिक साउंड पढ़ाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब से ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना मेरे बेटे को, तो मुझे वर्ड्स पढ़ाने में, सिखाने में, BAT ये पढ़ना सिखाने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो मैंने एक दिन उसकी टीचर को फ़ोन किया और बोला कि कोई अच्छी सी बुक बता दो मैडम फोनिक के लिए। तो उन्होंने मुझे एक बुक एडवाइस करी, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली उन्होंने मुझे जो एडवाइस करी थी ना, वो है ये बुक, जस्ट फोनिक्स। और मैंने सबसे पहले सबसे सिंपल वाली मंगवाई थी, क्योंकि पहले मुझे ही देखनी थी बुक है कैसी। बुक पब्लिशर की अगर मैं बात करूँ, यह है सोवेनियर पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड सिंस 1972। मतलब फोनिक्स से ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम साउंड सिखा देते हैं, ए ए एप्पल बी बा बॉल, बच्चे को नर्सरी में सिखा दिया, प्रैप में सिखा दिया, केजी में सिखा दिया और फिर भूल गए, फिर हम फिर वही जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फोनिक की मदद से आप बच्चे को बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश की बुक रीड करना सिखा सकते हो। सबसे पहली बुक की अगर मैं बात करूं, ये है जूनियर इन्फेंट, मतलब प्लेवे के लिए या नर्सरी के लिए आप कह सकते हो। इसमें आपको मिलते हैं 26 लेटर साउंड्स। ये मुझे मेरी टीचर जो है मेरे बेटे की, उन्होंने मुझे दी थी कि आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आपको पसंद आती है तो, पसंद आ जाएगी तो आप परचेज कर लेना सीनियर केजी के लिए। इस बुक की सबसे अच्छी बात ये है, देखो इसमें आपको ना हर साउंड पे काम कराया गया है, हर लेटर का जो साउंड होता है ना, जैसे कि हम लोग नॉर्मली आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करते हैं, ये आप देख सकते हो, ऐसा सन, कौन सी पिक्चर है सन की नहीं है तो कट कर दो, इस तरीके से दिया गया है पिक्चर। तो मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे ये ए है तो ए से रिलेटेड आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। अब बच्चों को इसमें ढूंढना है कि इसमें ए से रिलेटेड क्या क्या है। अगर आपका बच्चा बिल्कुल छोटा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये है जूनियर इन्फेंट। बट मैंने अपने बेटे के लिए जो मंगवाई है ना, वो है सीनियर इन्फेंट। ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी है। फोनिक पढ़ाना इतना आसान कभी भी नहीं था। और कई तरीके की ना हमें कन्फ्यूजन होती है, जैसे कई बार मुझे भी कमेंट करते हैं लोग, सी क कैट होता है तो सी एच जब लगता है तो चेयर कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे सी की साउंड च कैसे हो गई। कई बार होता ना ऐसे कि हम कोई भी वर्ड जो होता है ना अल्फ़ाबेट, उसकी साउंड कभी कुछ हो जाती है और कभी कुछ हो जाती है, ऐसा कैसे होता है ऐसा। देखो हमारे टाइम में तो आती नहीं थी फोनिक साउंड, तो हमें इतना पता भी नहीं है। तो हमारे पास एक परफेक्ट बुक होनी चाहिए जिससे हम देख के अपने बच्चे को पढ़ा सकें। इस बुक में आपको सिंगल अल्फ़ाबेट तो नर्सरी की बुक में पढ़ा दिए गए, इसमें आपको पढ़ाए जाते हैं टू लेटर के साउंड वर्ड, जैसे आप देख सकते हो। इसकी पता अच्छी बात क्या है, इसमें आपको एक्टिविटीज़ बहुत सारी मिलती हैं, मतलब बच्चा खेल खेल में फोनिक्स के थ्रू पढ़ना भी सीख रहा है, समझ भी रहा है और इतने अच्छे से सिखाया जा रहा है ना कि आपके बच्चे को स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी। जैसे आप ये देख सकते हो, फर्स्ट लेटर की एक्टिविटी है और यहाँ पर लास्ट लेटर की, कौन सी साउंड लास्ट में आ रही है, बेड, डी की साउंड आ रही है तो बच्चा लिखेगा, सुनेगा, समझेगा, फिर लिखेगा, हैन, एन की साउंड आ रही है तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा। तो इस तरीके से बच्चे को बहुत सारी एक्टिविटीज, यहाँ पे मिडिल साउंड पे काम किया जा रहा है। बच्चा बोलेगा ना जब ढंग से हैट, तो मिडिल साउंड किसकी आ रही है, ए की, तो यहाँ पर लिखेगा ए, हैट, इस तरीके से, सैड, तो इसमें साउंड, मिडिल साउंड किसकी आ रही है, ए की। वो अपने जब प्रैप में पढ़ाते हैं ना, खुद हम पढ़ाते हैं तो हम BAT बैट, SAT सैट, सन, रन, ये सब तो हम पढ़ा ही देते हैं, बट क्या हम बच्चे को इस तरीके से साउंड पढ़ाते हैं, UMP, अब इसके वर्ड्स बनाओ, जंप, और क्या है इसमें, जंप, लंप, बम्प, इस तरीके से वर्ड्स बनाओ। तो इतनी साउंड्स इस बुक में सिखाई गई है ना, इतनी मुझे आज तक किसी बुक में मिली नहीं थी। जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर है INK और ANK, मतलब पिंक, विंक, सिंक, इंक, तो यहाँ पर बच्चा खुद वर्ड्स बनाएगा। इन बुक्स की हेल्प से बच्चों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं अपने बेटे को इस बुक से पढ़ा रही हूँ और मैंने अब मंगवाई है तीन और, जी हाँ, तीन और बुक्स मंगवाई हैं मैंने, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के लिए। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इससे पढ़ा रहे हो ना बच्चों को, तो उनकी इंग्लिश बहुत ही ईजिली इम्प्रूव हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ इसकी, फर्स्ट क्लास वाली की, तो आप देख सकते हो इसमें आपको बहुत अलग अलग साउंड मिलती है, जैसे OW, यहाँ पर OW की साउंड है। इसके अलावा आपको मिल जाएगी, बहुत सारी साउंड्स मिल जाएंगी, जैसे ये है IGH और IGHT। अब देखो, ये मेरी बेटी ने कल कलरिंग करी है,
तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत सही हैं उनके माइंड को शार्प करने के लिए। अगर मैं बात करूँ आपसे, इसमें ना सिर्फ साउंड्स के ऊपर काम किया गया है, इसमें आपको कंपाउंड वर्ड्स भी सिखाए गए हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक बारी वीडियो शेयर करी थी कंपाउंड वर्ड्स की। मतलब इन बुक से ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको साउंड्स ही पढ़ाई जा रही है, नहीं, आपके बच्चे की ग्रामर को इम्प्रूव किया जा रहा है, आपके बच्चे की रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है। तो बुक्स बहुत ज़बरदस्त है। ये साउंड्स जो होते हैं ना, वो कई बारी सॉफ्ट बोली जाती है, कई बारी थोड़ी सी हार्ड बोली जाती है। जैसे कि इसमें देखिए आप, सॉफ्ट सी एंड हार्ड सी, इस तरीके से बच्चे को सिखाया गया है। जैसे सॉफ्ट सी मेक्स एन एस साउंड व्हेन इट कम्स बिफोर आई ई एंड वाई। मतलब जब सी आएगा आई ई वाई से पहले, तो वो एस की साउंड निकालेगा। कई बारी मेरे पास ये कमेंट आता है कि भाई कैट के लिए तो हम क का यूज़ करते हैं, और जब चेयर हो जाता है तो उसके लिए, सिटी हो जाता है तो हम स क्यों बना देते हैं। तो ये है उसके आंसर्स, आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देगी ये बुक, कि जब सी आता है आई से पहले तो वो बन जाता है सिटी, तब हम क यूज़ नहीं करते। मतलब जो हमने नर्सरी प्रैप में बच्चों को सिखाया ना, सीका कैट सीका कैट, तो पर वो जब आई से पहले लगता है तो वो सिटी बन जाता है, चेस बन जाता है, च बन जाता है। तो इस तरीके से कैसे साउंड्स चेंज होती हैं दूसरे अल्फ़ाबेट के आगे लगते ही, वो आपको सारे डाउट ये बुक क्लियर कर देगी। देखिए आप देख सकते हो, सॉफ्ट जी मेक्स जे साउंड व्हेन इट कम्स बिफोर आई ई वाई। तो जब जी आता है आई ई वाई से पहले तो ये जे की साउंड निकालता है, जे की। तो इस तरीके से आप बच्चे को क्लियर कर सकते हो सारे पॉइंट्स और सारी टेंशन उसकी ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे को सिखाए गए हैं कंपाउंड वर्ड्स, मैंने आपके साथ शेयर किए थे, लेडी बर्ड क्या बनता है, लेडी बर्ड। तो इस तरीके के गेम्स भी इन बुक्स में हैं, जो कि आपके बच्चे को आने वाले हैं बहुत पसंद, और आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। और ये बुक तो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। तो अगर सेकेंड क्लास की बुक की, तो इसमें मुझे कई चीज़ें बहुत अच्छी लगी। जैसे आपको क्लियर किया जाता है कब डबल ओ, जैसे होता है ना ओ ओ हम यूज़ करते हैं, तो उसकी कब साउंड बड़ी आएगी और कब छोटी आएगी। जैसे बुक हम बोलते हैं, इसमें भी डबल ओ लगा है बट हम छोटी साउंड लेते हैं, बट जब हम मून बोलते हैं तब हमारी बड़ी साउंड आती है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर करी गई हैं कि कब ओ की यू की शॉर्ट साउंड आपको यूज़ करनी है, कब आपको लॉन्ग साउंड यूज़ करनी है। मतलब बच्चे की बोलने की भी, इंग्लिश बोलने की भी बहुत अच्छी होने वाली है। और अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें कुछ पार्ट्स, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें प्रीफिक्स भी है, सफिक्स भी है, तो बच्चे की इंग्लिश होने वाली ज़बरदस्त है। थर्ड क्लास वाली और ज़्यादा टफ है, तो आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से ढूंढ सकते हो बुक और दे सकते हो। जैसे यह है होमोफोन्स, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेल सेल सी सी, और है यहाँ पे वीक वीक। तो होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, सुनने में एक जैसे लगेंगे बट मीनिंग होगा बिल्कुल अलग। तो इतने सारे होमोफोन्स आपके बच्चे को मिल जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वोकैबुलरी उसकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो बुक्स मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। पांचों बुक्स का लिंक मैं दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आया है थोड़ा सा भी, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।